हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। बट ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए छोटा सा टास्क है। ओके, टास्क सॉल्व कर लिया आपने, सबका आंसर बराबर है, आपने 5 कहा है या लिखा है, जो भी कुछ आपने किया है आपका आंसर बिल्कुल बराबर है। बट ये आपने सॉल्व कैसे किया है वो हम डिटेल में जानते हैं। आपने इस क्वेश्चन को देखा, देखने के बाद पता है क्या हुआ है, जो 2 + 3 लिखा है और क्वेश्चन मार्क है, ये सब डेटा, हम इसे डेटा कहेंगे, नंबर्स कहेंगे, ये डेटा आपने ब्रेन के तरफ भेजा है। ओके, सेंड किया है। क्यों किया है ब्रेन के तरफ आपने, ये देखने के बाद क्यों भेजा है, क्योंकि ब्रेन ही हमारे बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो इसको प्रोसेस करता है। ठीक है गाइस, इसने प्रोसेस किया और एक रिजल्ट निकला है, रिजल्ट ऑफकोर्स 5 निकला है, बट वो रिजल्ट आपके माइंड के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, वो आपको मुझे बताना है। तो आप इसे बोल के बताओगे, तो बोलने के लिए आपने देखो ब्रेन से वो सिग्नल यहाँ पे जा रहे हैं, थ्रोट है, लिप्स है, माउथ है, टंग है, इन सब का यूज करके आपने वो जोर से आंसर बोला कि सर इसका आंसर 5 आता है, दैट्स इट। ऐसा आपने यहाँ पे किया है और ऐसा ही हुआ है और बहुत ही फ्रैक्शनल ऑफ सेकंड में ये सब कुछ चीजें हुई है। बट अब देखो कुछ सवाल है, इसका आंसर 5 ही क्यों आया है, -1 क्यों नहीं आया है, 6 क्यों नहीं आया है। आप बोलेंगे सर सिंपल है, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो ये जो हमारा प्लस है ना, यही हमारा इंस्ट्रक्शन है। आपके ब्रेन को कैसे पता चला कि 2 + 3 करने के बाद 5 होता है, क्योंकि आपके ब्रेन में ओके एक सेक्शन है जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी समझते हो ना आप, यादें, आपको याद है ये चीज कि प्लस मतलब एडिशन करना होता है। प्लस की जगह अगर मैंने माइनस लिखा होता गाइस तो इसका आंसर -1 आता, इसके जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा होता तो आंसर 6 आता। मतलब कि डेटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है वो इस साइन के ऊपर डिपेंड है और ये हमारे साइन ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अब रही बात कि आपके ब्रेन को कैसे पता कि प्लस का मतलब एडिशन ही होता है। आप कहेंगे सर हमने बचपन में पढ़ा था। यस, आपने जो पढ़ा था ना उस पढ़ने को ही प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे पता है, आप आपके ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं या उसको सिखा रहे हैं कि देखो ये चीजें करने से ऐसा कुछ होता है, इसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं गाइस। पढ़ाई करना मतलब आपके ब्रेन को प्रोग्राम करना किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज की वर्किंग समझने के लिए आप आपके ब्रेन को क्या करते हैं, ट्रेन कर रहे हैं, इसे ही हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इमेजिन करो ना, ये सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे पर्सन को पूछा होता जिस पर्सन को पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, बस ये देखेगा, बट उसका ब्रेन इसे प्रोसेस कर पाएगा क्या? उसे नंबर नहीं पता, उसे सिंबल नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता है, तो वो पर्सन इसे नहीं कर पाएगा। तो वैसा ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। ओके, तो कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर देखो, इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारी आईज हमारे रिसीवर है, वैसे ही कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, वो डेटा सेंड करते हैं सीपीयू के अंदर। सीपीयू यानी गाइस वो कैबिनेट नहीं, सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो उसके अंदर होता है। जैसे मैंने ये ब्रेन है ना, ये एक्चुअल सीपीयू है, बट ये ब्रेन ऐसे बॉडी के बाहर रहता है क्या, अंदर रहता है ना, स्कल के अंदर रहता है, बराबर प्रोटेक्टेड रहता है, वैसे ही हमारा सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर, फिर वो कैबिनेट के अंदर बराबर पैक करके उसको रखा जाता है, वो आपको दिखेगा नहीं गाइस। ओके, मेरे बहुत फ्यू स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी माइक्रो प्रोसेसर को एक्चुअली देखा होगा, पर है तो सही ना वहां पे। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है, जैसे 2 + 3 उन्होंने जैसे कैलकुलेशन किया ना, वैसे ही उसने कैलकुलेशन किया, बट वो कैलकुलेशन उसने कैसे किया, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके ब्रेन के अंदर मेमोरी वाला एक सेक्शन होता है, उसमें सब कुछ आपको जो भी कुछ आपने पढ़ाई लिखाई की है वो आपके मेमोरी में है, कैसे चीजें परफॉर्म करना है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी नाम का सेक्शन होता है, वहां पे कंप्यूटर जो भी कुछ कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन थिंग, वो सब के इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में होते हैं। ओके, ऐसा आप फिलहाल के लिए याद रखो, ये सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके गाइस, तो उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलता है वो आउटपुट डिवाइसेस आपको बता देती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के कौन से होती हैं, प्रिंटर है, मॉनिटर है एंड सो ऑन लाइक। ओके, तो देखो अब इसी प्रॉब्लम को इस कंप्यूटर से हम सॉल्व करेंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना गाइस, ये कंप्यूटर की डायग्राम है या कंप्यूटर का एक मॉडल है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो 2 और 3 को हम डेटा बोलते हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर या हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट करता है। 2 और 3 डेटा आपको इनपुट डिवाइस से भेजना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको प्लस भी भेजना पड़ेगा। तो 2 और 3 हमारा डेटा हो गया और इंस्ट्रक्शन हमारा ये प्लस साइन हो गया है। तो अब भी तो मैंने अब सर ने कहा था कि प्लस साइन सब कुछ तो मेमोरी में स्टोर होता है। हाँ होता है, बट कंप्यूटर से आपको क्या करवाना है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। मैंने आपको यहां पे माइनस दिया होता तो मैं आपको बता रहा हूं ना, डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, बट माइनस का मीनिंग कहां पे स्टोर है, इस ब्रेन के अंदर है ना। वैसा ही यहां पे इंस्ट्रक्शन चेंज हुआ तो ये इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी के इंस्ट्रक्शन से
टैली होता है, मतलब कंप्यूटर मैच करके देखता है, यूजर चाहता है कि उसे प्लस करना है, अच्छा तो प्लस का मतलब ये होता है ऐसा कंप्यूटर के मेमोरी में होता है, उसे हमने प्रोग्राम किया है गाइस, प्रोग्राम, इसको प्रोग्रामेबल डिवाइस इसलिए बोलते हैं कि जो वो कर सकता है ऑलरेडी हमने उसे सिखा के रखा है, बस हमें अब डेटा प्रोवाइड करना है और कंप्यूटर आपको आंसर बता देगा। तो देखो यहाँ पे ये जो भेजने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह हुए और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आपको रिजल्ट मिल गया 5। ओके, इसे हम रिजल्ट बोलते हैं और दूसरा नाम इसका आउटपुट होता है। तो मेरे ख्याल से इतने कंसेप्ट सफिशिएंट है कि एक कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी कैसे काम करते हैं। ओके, इतना समझा है तो आगे के टॉपिक आपको बहुत इजीली समझने वाले हैं। तो ये जो हमारी अभी के जो डायग्राम थी इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आप देख पा रहे हैं ना, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू सबसे सेंटर में है गाइस, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सब कुछ जैसे हमारा ब्रेन हर चीज को कंट्रोल करता है ना, वैसे सीपीयू सब कुछ करता है, बट ये अकेला काम नहीं कर सकता ना, ब्रेन अकेला काम थोड़ी करेगा, ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेसिंग करता है। वैसे कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट सीपीयू है गाइस, वही सब कुछ करता है, बट उसके साथ में ये तीन चीजें भी जुड़ी होनी चाहिए। तो देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसको अलग से बनाते हैं। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू है, ठीक है। मैं थोड़ी सी डायग्राम को रिवाइज कर रहा हूं, बाकी कुछ भी चेंजेस मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। अब दूसरा जो ब्लॉक है मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का बनाया है, बट इस बार एक ही जगह पे लिखा है, आप देख सकते हैं यहां पे ऊपर के डायग्राम में इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग लिखा था, कंप्यूटर इनमें डिफरेंशिएट नहीं करता है, कंप्यूटर के लिए वो डिवाइस है, मतलब डिवाइस है, वो इनपुट रहे कि आउटपुट रहे। तो ऐसी दो कैटेगरी की बनाने के बजाय हमने इसमें एक ही कैटेगरी बना दी है इनपुट आउटपुट डिवाइस की, इसको शॉर्टकट में आयो बोलते हैं या पेरिफेरल भी कहा जाता है, जो आउटसाइडर है मतलब कि सीपीयू के बाहर से जो चीजें जुड़ी होती हैं उन्हें ही हम पेरिफेरल बोलते हैं। अब रही बात मेमोरी की, तो हम मेमोरी वाला ब्लॉक भी यहां पे बना देते हैं, बट ये तीन ब्लॉक अलग अलग जगह पे हैं, माइक्रो प्रोसेसर अलग है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग है एंड मेमोरी अलग है। तो अब रही बात इनको जोड़ना कैसे, कनेक्ट कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे ग्रीन एरो बनाया है और कुछ छोटे मोटे एरो बनाए हैं, तो ये वायर्स हैं। अब इन सबको कनेक्ट करना है, आपने देखा ही होगा ना कंप्यूटर में कितनी सारी वायर लगी होती है, नॉट ओनली वो बाहर दिखने वाली वायर गाइस, सीपीयू के अंदर में भी बहुत सारी वायर होती है, उन्हें बसेस कहा जाता है। तो इन सबको जोड़ने का काम हम करेंगे सिस्टम बस से। ओके, ये वायर ही है जिनको हमने इनके साथ जोड़ा है। अब इस वायर का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब इसे सिस्टम बस क्यों कहा गया पता है, ये डेटा ट्रैवल करती है, यहां से इनपुट डिवाइस से डेटा अंदर, फिर यहां से बाहर मेमोरी से डेटा, इंस्ट्रक्शन, ऐसा इधर उधर ये सब कुछ डेटा इनके अंदर एक दूसरे के अंदर वो ट्रैवल होता है, और इसके लिए इन वायर की जरूरत पड़ती है। अब रही बात हम क्या करते हैं, इस जो माइक्रो प्रोसेसर है ये कोई एक सॉलिड कंपोनेंट नहीं है कि बस हो गया माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर, नहीं, ये एक टूल है, एक प्रकार की मशीन है, तो इसके भी कुछ पार्टीशन है, तो वही हमें देखने हैं। देखो इस ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये 3 parts में डिवाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। इसके बाद होता है रजिस्टर्स और उसके बाद होता है कंट्रोल यूनिट। ये जो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आपको एक सिंगल चीज दिख रही थी, आप देख सकते हैं ये 3 parts में ये डिवाइड है। इन तीनों सेक्शन के एक पर्टिकुलर काम है, टास्क है, वो परफॉर्म करते हैं। ओके, अब आप ये जो पूरी डायग्राम देख रहे हैं इसको हम नाम दे देते हैं। देखो नाम क्या है इसका, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर। ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाई है आप देख सकते हैं प्रीवियस डायग्राम से, कंप्यूटर के डायग्राम से ही ये बेस्ड है, उसको बस इस तरीके से हमने बनाई है, और ये माइक्रो कंप्यूटर की डायग्राम है, ये पूरा हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। किससे बनाया हुई चीज है, ये माइक्रो प्रोसेसर से बनी हुई चीज है। इनको हम गाइस देखेंगे, ये वाली ये जो कंपोनेंट है इनको कैसे क्या बोलते क्या नहीं है सब कुछ हम देखने वाले ही हैं। पर सबसे पहले अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है इसकी डेफिनेशन यानी कि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। आपको इसके पहले कंसेप्ट समझे होंगे तो ये भी आपको समझ जाएगा। देखो माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, इतना ही समझ लो पहले। ये जो चीज दिख रहे हैं ना आप, इट्स अ मल्टीपर्पज। इसका काम सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं होता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो इमेज प्रोसेस कर सकता है, डेटा प्रोसेस कर सकता है, वीडियो प्रोसेस कर सकता है, या आपने उसको जो प्रकार के टास्क दिए हैं वो बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए इसको मल्टीपर्पज बोलते हैं। ओके गाइस, और कैलकुलेशन में भी सिर्फ एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, बहुत सारे थिंग ये परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको मल्टीपर्पज कहा गया है। अब रही बात इसे प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस क्यों कहा गया है, ये जो भी काम कर सकता है ये पहले से ही हम इसे प्रोग्राम करते हैं। जैसे आपको एडिशन आती है ना, तो आपने आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया है बचपन से, और अभी भी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो
आप आपके ब्रेन को प्रोग्राम ही कर रहे हैं। जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है वो आपको सीखना पड़ता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को हम पहले से सब कुछ सिखा देते हैं और इसी इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल। लॉजिक क्यों कहा गया है गाइज, आपको पता है इसमें लॉजिक सर्किट्स वगैरह ये होते हैं, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से ये बनी हुई चीज है, इसलिए इसको लॉजिक डिवाइस कहा गया है। इवन ये लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, तो वहां से भी उसको नाम दिया गया होगा। तो इतनी डेफिनेशन आपको समझनी अच्छे से कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। और अब देखो खास बात, ये करता कैसे है काम, दैट रीड्स अ बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड एज ए मेमोरी। आपके मेमोरी में पहले ही प्लस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वैसे ही कंप्यूटर के मेमोरी में भी इंस्ट्रक्शन की जानकारी पहले से ही होती है, वो वही काम कर सकता है जो उसे पहले से पता हो गाइस, ओके। अब इसके बाद कॉमा देखे हैं, एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज अ इनपुट। और देखो, और यहां से यानी कि इनपुट सेक्शन से डेटा भी अंदर जाता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जैसे 2 और 3 मैंने यहां पे बोला है। बट आपने वर्ड देखे होंगे यहां पे बाइनरी, यहां पे वर्ड आए हैं, बाइनरी इंस्ट्रक्शन भी आया है और बाइनरी डेटा भी आया है। ये जो मैंने 2, 3 और प्लस लिखे है ना, वो हमें समझे इसलिए मैंने लिखा है। आपने तो 11th से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, आपको पता ही है सब कुछ कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी नंबर बाइनरी डेटा ही समझते हैं ना, तो यहां पे हर चीज बाइनरी में ही होती है, 2 और 3 बाइनरी में होता है, इंस्ट्रक्शन भी इवन बाइनरी में होते हैं। अगला हमारा चैप्टर है ये प्लस का, क्या बाइनरी इंस्ट्रक्शन है वो तो आपको पढ़ने को मिलेगा ही, 2 और 3 के बारे में आप तो जानते ही हैं। तो देखो ये जो डिवाइस है वो बाइनरी इंस्ट्रक्शन और बाइनरी डेटा रीड करता है, और देखो एंड प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन, 2 और 3 की एडिशन ही करेगा ना, क्योंकि प्लस का मतलब वही होता है, माइनस भेजते तो सब्ट्रैक्शन करता था, तो और उसके बाद एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज ए आउटपुट, ऐसा कुछ करने के बाद आपको रिजल्ट में वो आउटपुट देता है। जैसा मैंने आपको समझाया है वैसे ही उसके यहाँ पे डेफिनेशन है, एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम से ही डेफिनेशन बनानी है, बहुत सिंपल से डायग्राम है गाइस, ओके। तो ऐसा हो गया हमारा ये टॉपिक। अब रही बात ये सच में बाइनरी में कैसे काम करता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। 2 है ना हमारा ये नंबर, ये डेसिमल है, इसका बाइनरी आपको पता है 10 होता है, प्लस करना है तो मैंने यहाँ पे इसका बाइनरी कुछ भी लिखा नहीं है, आगे जाके हम देखेंगे 3 को कैसे लिखते हैं, 11 लिखते हैं। इसकी एडिशन कैसे होती है आपको पता है ना, 0+1 कितना होता है 1, देन 1+1 कितना होता है 0, और 1 कैरी आगे फॉरवर्ड हुई है, और उसके बाद कुछ इसके लिए एडिशन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो 101 ये क्या हो गया आपको पता है, ये क्या है, ये 5 है बाइनरी का, बस यूजर के लिए आपको उसे कन्वर्ट करके बता देना है, खत्म। ऐसा ही कंप्यूटर काम करता है। हम जो डेटा होते हैं भले ही डेसिमल में देते होंगे, हेक्साडेसिमल में देते होंगे, बट इंटरनली कंप्यूटर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, यहां से बाइनरी ही डेटा ट्रैवल होता है, सब कुछ बाइनरी में कैलकुलेशन होता है, और जब आउटपुट निकलता है तो भी बाइनरी में निकलता है, बट हमको समझे इसलिए आउटपुट डिवाइसेस उसे कन्वर्ट कर देते हैं हमारे रीडेबल फॉर्म में, ऐसा आप समझो। तो ये क्वेश्चन गाइस 3 मार्क्स के लिए आता है, डेफिनेशन आती है, क्वेश्चन जो फिगर का नाम लिखा है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, इसी के ऊपर भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायग्राम निकालनी है, डेफिनेशन लिखनी है, और इनके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर इसी की, ओके, सेम डायग्राम सेम सब कुछ है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो माइक्रो प्रोसेसर की क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। क्यों कहा गया सेमी कंडक्टर गाइस, हमने पहले लेक्चर में देखा है कि माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बेसिक कंपोनेंट कौन सा होता है, सेमी कंडक्टर होता है, उससे ट्रांजिस्टर उससे लॉजिक गेट एंड सर्किट सब कुछ बनता है ना, तो ये माइक्रो प्रोसेसर अल्टीमेटली सेमी कंडक्टर से ही तो बनता है। कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट, अब जो हम प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं प्लस माइनस ये टास्क है गाइस, इसके सर्किट होते हैं, जैसे मैंने आपको हाफ एडर फुल एडर के बारे में बताया होगा, तो वो सब कुछ यही पे होता है, ओके। एंड इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शन, ऑफ कोर्स यहाँ पे इस सेक्शन में बहुत सारे कैलकुलेशन वो कर सकता है, सिर्फ एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकता है, एंड मेकिंग डिसीजन टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ओके। तो अब देखो प्रोग्राम क्या होता है आपको पता है, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब एक ही हम इंस्ट्रक्शन तो देंगे नहीं ना, प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है आपको डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे हम रियल लाइफ में डिसीजन लेते हैं ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, तो माइक्रो प्रोसेसर भी डिसीजन ले सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज कर सकता है। अगर इसे मैं कंपेयर करूं पेपर 1 से, तो आपने इफ एल्स वाले प्रोग्राम तो सॉल्व किए ही होंगे ना, तो वहां पे हम कंडीशन लिखते हैं ना, तो वो कंडीशन हम कंप्यूटर को तो बता रहे हैं, अल्टीमेटली माइक्रो प्रोसेसर को
तो बता रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है और कौन सा नहीं, तो ऐसा माइक्रोप्रोसेसर भी कर सकता है। तो ये हमारी सेकंड डेफिनेशन थी गाइस। ओके, याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो पहले की डेफिनेशन है उसी के ऊपर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो अब डिटेल में देखते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है माइक्रोप्रोसेसर का। इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सबसे पहले ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा है गाइस रजिस्टर। जब भी आप रजिस्टर सुनो इस चैप्टर में, उसका मीनिंग होता है स्टोरेज। रजिस्टर कुछ ना कुछ स्टोर करने वाली हमारे यहाँ पे चीज है। और स्पेलिंग देखो गाइस, जी है, एस नहीं है। रजिस्टर होता तो वो फिजिक्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रजिस्टर होता, ये रजिस्टर है यानी कि ये स्टोरेज है। आपको थोड़ी देर में इसकी भी आइडिया आ जाएंगी। और तीसरा सेक्शन है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। ओके, आप इस कंप्यूटर को दुनिया की कोई भी मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। हमने हमारे बॉडी से तो कंपेयर किया ही है, आप आपकी बाइक से कंपेयर करके देखो गाइस इसे, ठीक है। तो बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? इंजन होता है ना। तो इंजन कैसे काम करता है आपको पता है? वहां पे कंबशन होता है। किस चीज का कंबशन होता है? पेट्रोल और ऑक्सीजन का कंबशन होता है। तो पता है कंबशन का इंजन में सिर्फ एक ही पार्ट नहीं होता है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जहां पे कंबशन होता है, तो वही होता है हमारा ALU। ALU ही जो चीज होती है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। देन आप बोलेंगे रजिस्टर वगैरह क्या है? मैंने गाड़ी को कंपेयर किया ना, जैसे अब कंबशन पेट्रोल का हो रहा है ना, तो पेट्रोल कहां पे स्टोर होगा गाइस? टेंपरेरी किसी ना किसी जगह पे तो स्टोर होगा ना, पेट्रोल के टैंक समझ लो आप, वहां पे स्टोर है। तो वही से ही हमारे ये रजिस्टर है। एंड व्हाट अबाउट कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट क्या करता है पता है? इनमें देखो कितना सारा डेटा फ्लो हो रहा है, इधर से उधर इधर से उधर, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम और साथ ही साथ में टाइमिंग देने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। डिटेल में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। अगेन आप इसे कंपेयर कर सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर से, सबके घर पे होगा आपको पता है। तो बता है ग्राइंडर कैसे काम करता है आपको पता है ना, ग्राइंड करता है चीजें। बट कौन रिस्पॉन्सिबल एकदम बेसिक लेवल के ऊपर ग्राइंड एक्चुअली कौन करता है गाइज? वो जो दो ब्लेड लगे होंगे ना ग्राइंडर के अंदर, वो करते हैं ना। तो उसी को आप कंपेयर करो। ALU मतलब हमारे वो दो ब्लेड है। बट ओनली ब्लेड से काम चलेगा क्या? ग्राइंड होगा क्या? नहीं। स्टोरेज भी जो चाहिए ना, जो आजू बाजू का जो कंटेनर है ना गाइज, वो रजिस्टर्स है। बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमारे रियल लाइफ स्टोरेज होते हैं ना वैसे ही। और कंट्रोल यूनिट यहां पे जो मैं चीजें यूज कर रहा हूं पर्सन, वही कंट्रोल यूनिट है। वो डिसाइड करता है कौन सी चीज कहां पे कैसे कब जानी चाहिए, किसको टाइम देना चाहिए, पहले चीज कौन सी ग्राइंड करनी चाहिए, इसे हम डिसाइड करते हैं ना। कंप्यूटर में अलग सा एक सेक्शन ही होता है जिसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। अब देखो ये क्वेश्चन भी 1-1 मार्क के लिए या कभी 3 मार्क्स के लिए आते हैं। ALU एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ओके। और साथ में हमारा एक क्वेश्चन चल ही रहा है, व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर। जब ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, जितना हो सके उतना आप यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है गाइस। तो चलो बढ़ते हैं। मैंने जो सेम डायग्राम यहाँ पे रखी है, और सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इस चैप्टर में ये बहुत बार रिपीट होने वाला है, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको ये समझ ही जाएगा कि ये क्या होता है। नाम से ही पता चलता है कि ये कौन से कैलकुलेशन करने वाला है। अब माइक्रोप्रोसेसर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है आपको पता है, तो कौन से टाइप के? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको पता ही है ना कौन से होते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। और लॉजिकल जो आपने लॉजिक गेट के चैप्टर में पढ़े होंगे 11th में, बस वही है। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में यहां पे लिखना, देखो यहां पे क्या लिखा है हमने। पहला पॉइंट लिखा है, दिस इज द एरिया ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर वेयर द वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शंस आर परफॉर्म ऑन द डेटा। ये सेक्शन है गाइस माइक्रोप्रोसेसर का, जहां पे डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। मैंने आपको रियल लाइफ के एग्जांपल दे दिए हैं गाइस, मिक्सर ग्राइंडर है, हमारे बाइक का इंजन है, इवन आपने ग्राइंड मिल देखी होंगे ना आटा चक्की, वहां पे भी कंपेयर करके देखो आप। पता है उस आटा चक्की में दो पत्थर रहते हैं अंदर, वहां पे वो ग्राइंडिंग का काम होता है, तो वो भी हमारा ALU हो गया। तो मशीन में ऐसा हिस्सा होता है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम करता है, तो वही हमारा ALU होता है। तो ये सेक्शन ये बनता किससे, वो तो हम डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं, बस आपको जानना है कि ALU क्या है। तो ये एरिया है, तो ये करता क्या है? जैसा नाम वैसा काम। ALU यूनिट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। और ये यहां पे थोड़ा सी खास बात है, देखो गाइस आपका जो माइक्रोप्रोसेसर है बहुत पावरफुल होगा, बट बेसिकली वो सिर्फ 2 ही काम करता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और बहुत डीपली देखा जाए तो माइक्रोप्रोसेसर सिर्फ एडिशन करता है, उसे सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है। मतलब यहां पे गलती से भी आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं लिखना है।
आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो रहे होंगे कि सर डिवीजन तो कंप्यूटर करता ही है, मल्टीप्लिकेशन भी तो करता ही है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है। गाइज डीपली अगर देखा जाए, इंटरनली देखा जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपके जो कंसेप्ट है कि माइक्रोप्रोसेसर सिर्फ एडिशन मैंने बोला है, तो आपको नहीं मानना है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे तब आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएंगी कि माइक्रोप्रोसेसर सिर्फ एडिशन ही कर सकता है या उससे रिलेटेड ही कैलकुलेशन कर सकता है। ओके गाइज, और लॉजिकल ऑपरेशन में कौन सा कर सकता है, तो ये एंड ऑपरेशन और नॉट एंड एक्सक्लूसिव और, इतने चार ऑपरेशन ये कर सकता है। ओके, तो ये भी कंसेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। तो जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है इतने ही काम कर सकता है। ओके, और आप इतना जो कुछ देखते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, ये इनका ही रिजल्ट होता है, इनके ही कॉम्बिनेशन करके बनाए हुए वो सब कुछ हमारी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, आगे आगे आपको ये समझेगा। तो एक बार कैलकुलेशन हो गया, जैसे आपने आपके माइंड में कुछ कैलकुलेशन किया, तो खुद के पास रखोगे क्या, उसे शो भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपको आउटपुट मिले हैं रिजल्ट के थ्रू में आर स्टोर्ड आइदर इन रजिस्टर, रजिस्टर में वो स्टोर रहते हैं, और इन अ मेमोरी, या फिर वो मेमोरी में जाके भी स्टोर रह सकते हैं, या फिर आउटपुट डिवाइस में भी आप उसे शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन। ओके गाइस, तो आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे ALU वाले, और इसको आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से लर्न करना है कि ALU क्या होता है। मैंने समझाने की कोशिश की है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक का नाम है रजिस्टर। मैंने तो आपको पहले ही कहा है रजिस्टर यानी हमारे यहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, स्टोरेज। ओके, ये स्टोर करने का काम करता है। तो दिस एरिया ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर, जैसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर को आपको कंपेयर करके बताया है, आप ग्राइंड मिल से भी कंपेयर करते रहो साइड में, या बाइक को भी कंपेयर करते रहो, जहां पे डेटा स्टोर होता है, जहां पे इंस्ट्रक्शन या डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होने वाली है टेम्पररीली जो स्टोर होता है, वही हमारा रजिस्टर वाला सेक्शन होता है। तो सेकंड पॉइंट है कि करते क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है, दिस रजिस्टर आर प्राइमरीली यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररीली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, देखो ना, ग्राइंडर का काम होता है उस चीज को ग्राइंड करना, बट टेम्पररीली उसे कहीं ना कहीं पर तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, बिफोर प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, है ना, उसे होल्ड तो करके रखना पड़ेगा ना। तो वही हमारे रजिस्टर का काम है। जो मैंने आपको 2 और 3 भेजा था ना, तो प्रोसेसिंग के पहले वो कहां पे स्टोर थे, रजिस्टर में स्टोर थे, उसके बाद फिर से रजिस्टर में आए और सिस्टम बस के थ्रू या आउटपुट या मेमोरी सेक्शन की तरफ वो चले गए। अब थर्ड पॉइंट आपको उतना नहीं समझेगा, सम ऑफ द रजिस्टर आर एक्सेसिबल टू द यूजर थ्रू इंस्ट्रक्शन। यूजर का मतलब गाइस यहां पे प्रोग्रामर होता है, इनको आप एक्सेस कर सकते एज अ प्रोग्रामर, बट कब, नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब। फिलहाल तक इस पॉइंट को ऐसे ही होल्ड पे रखते हैं। बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल से आपको समझ रहा है ना कि जो चीज, जो सेक्शन हर चीज को कंट्रोल करता है। यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो, इनपुट सेक्शन से डेटा निकल रहा है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन निकल रहे हैं और ये इसके अंदर जा रहे हैं, तो डेटा का फ्लो हो रहा है, तो फ्लो को कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे हम चीजों को कभी कभी यूज करते हैं तो हम खुद डिसाइड करते हैं कौन सा डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वैसे ये कंप्यूटर वर्ल्ड की बात है, यहाँ पे डेटा कब कहाँ से कौन से सेक्शन से फ्लो होना चाहिए ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। साथ ही साथ में ये टाइमिंग भी प्रोवाइड करता है, जब तक आप किसी चीज को टाइम दोगे नहीं तब तक वो चीज परफॉर्म होंगी नहीं। वैसे कंप्यूटर में है, प्रोसेसिंग इतने आसानी से नहीं होती है, प्रोसेसर का आपको टाइम लेना पड़ता है, तो टाइम देने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसे। जैसे कि पहला पॉइंट, द कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड द नेसेसरी टाइमिंग। जैसे ने क्या, आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं मतलब आपने उस पर्सन को कुछ टाइम दिया है, वैसे कंप्यूटर का भी है, कंप्यूटर आपको कुछ टाइम देता है तभी आप काम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड कंट्रोल सिग्नल टू ऑल द ऑपरेशन इन द माइक्रो कंप्यूटर। अब कंट्रोल सिग्नल टॉपिक आगे आने वाला है, मतलब कंप्यूटर जो कर सकता है, पता है कंप्यूटर को, मैंने तो बताया है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक वो काम तो करता ही है, बट कंट्रोल सिग्नल इसके पास सिर्फ 2 ही होते हैं, मतलब अल्टीमेटली कंप्यूटर को 2 ही काम आते हैं, पता है गाइस, एक रीड करना और एक राइट करना, रीड राइट। ओके, तो ये कंट्रोल सिग्नल होते हैं, किसी चीज को प्रोसेस को प्रोवाइड करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। और दूसरा पॉइंट है, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना इधर से उधर, ये 3 सेक्शन के बीच में, उनको उनके फ्लो को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। आई होप सो कि आपके पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो हमने ये तीनों सेक्शन के पॉइंट्स देख लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक का नाम है मेमोरी। मेमोरी के बारे में
आपको मैंने ऑलरेडी थोड़ा पहले बताया है, बट इस मेमोरी को आप कंपेयर मत करो हार्ड डिस्क से, कंपेयर मत करो पेन ड्राइव से, सीडी से, इससे कंपेयर मत करो गाइस। वो स्टोरेज वाली मेमोरी नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर की पर्सनल मेमोरी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ओके, आप इसे लिटिल बिट रैम और रोम समझो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हार्ड डिस्क मत समझो, सेकेंडरी स्टोरेज मत समझो, ये प्राइमरी स्टोरेज ही है। ओके गाइस, तो देखो मेमोरी जैसे आप की मेमोरी होती है, तो मेमोरी में हम कुछ चीज स्टोर करके रखते हैं। क्या स्टोर करके रखते हैं? जो हमें कुछ काम आते हैं, जो भी हमने पढ़ाई लिखाई की है, वो हमारे मेमोरी में स्टोर रहती है। जब भी हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, उसी मेमोरी से हम याद करते हैं और वो चीजें परफॉर्म करते हैं। ओके, वो इतना इमीडिएटली होता है कि हम उतना सोचते नहीं है, बट कंप्यूटर में भी सब कुछ इमीडिएटली होता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को आते हैं, जो भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, वो पूरे इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर रहते हैं। नॉट ओनली इंस्ट्रक्शन बट कुछ डेटा भी स्टोर उसमें रहता है। तो इसका काम क्या है? जब माइक्रोप्रोसेसर को जरूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शन की, डेटा की, तो ये मेमोरी सेक्शन ही होता है, उसे वो प्रोवाइड करता है। बस यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन सच एज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द माइक्रोप्रोसेसर व्हेनेवर नेसेसरी। जब माइक्रोप्रोसेसर को जरूरत पड़ती है, ये सेक्शन उसको डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट के ये जो दो पॉइंट है, ये ऑलरेडी हमने स्टडी कर चुके हैं। अगर वन मार्क के लिए आता है तो पहला ही पॉइंट सफिशिएंट है। देखो, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, वही रिपीट हो रहा है। टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम द माइक्रोप्रोसेसर रीड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम एंड परफॉर्म कंप्यूटिंग ऑपरेशन इट्स एएलयू सेक्शन। ओके, इस यहां से ही वो क्या रीड करता है? इंस्ट्रक्शन। कभी कभी डेटा भी यहीं से मिलता है और एएलयू सेक्शन में उसके ऑपरेशन या कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है। रिजल्ट्स आर आइदर ट्रांसफर टू द आउटपुट सेक्शन फॉर डिस्प्ले और स्टोर्ड इन अ मेमोरी फॉर लेटर यूज। नहीं किया, जो रिजल्ट आया है वो इधर जाता है आउटपुट डिवाइस के ऊपर, या फिर से मेमोरी में जाके वो स्टोर रह सकता है। इतनी सिंपल सी बात होती है इस मेमोरी सेक्शन में। ओके गाइज, ये आपको वन मार्क दिला सकता है, बस पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक के तरफ। ब्लॉक का नाम है इनपुट आउटपुट, शॉर्टकट में आयो बोलते हैं। और आपको पता है ये किस दो चीज का कंबाइन है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को एक ही ब्लॉक में इसे कंबाइन कर दिया है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कि इसका काम क्या है। इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं, दिस सेक्शन कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब पता है हम लोग गाइस, देखो यहाँ पे दो दुनिया है, कंप्यूटर अपने आप में एक दुनिया है और हम अपने आप में एक दुनिया है, कंप्यूटर मशीन है और हम ह्यूमन बीइंग है, उनके बीच का कम्युनिकेशन इंटरफेस ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू होता है। ओके, उसी से तो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, हमें कुछ भी चाहिए, देखना हो, एंटर करना हो, तो हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ही तो यूज करते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज ए पेरिफेरल्स, क्योंकि ये बाहर से जुड़ी है, माइक्रो प्रोसेसर का ये पार्ट नहीं है गाइस। माइक्रो प्रोसेसर ये तीन हिस्सों से ही बना है, ये बाहर से कम्युनिकेशन करके लिए, मतलब बाहर से इन चीजों को लगाया गया है, इसलिए इनको एक साथ पेरिफेरल्स कहा जाता है। ओके, तो इनका काम क्या होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस का, वही देखते हैं। द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, स्विचेस एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मतलब कीबोर्ड समझ लो, कीबोर्ड की बटन समझ लो, ये इनपुट डिवाइस है, और एक वर्ड लिखा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये भी थोड़ा सा अलग ही टॉपिक हो गया, समझाओ तो बहुत टाइम लगेगा। डिजिटल का मतलब बाइनरी समझ लो आप गाइस थोड़ी देर के लिए, और एनालॉग यानी जो चीज हम समझ सकते हैं, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन समझ लो फिलहाल के लिए। वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, मैं बस समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि जो हम समझ सकते हैं, टू और थ्री हमें आता है, तो कीबोर्ड क्या करता है, उस टू और थ्री को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे डिवाइसेस जो हम समझ सकते हैं, वैसे चीजों को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ओके, यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक्चुअली यहाँ पे करंट और बाइनरी नंबर्स का ये है, बट मैं आपको उस टॉपिक की तरफ नहीं लेके जाना चाहता हूँ। तो इसका यूज क्या है? दीज डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू माइक्रोप्रोसेसर। मतलब तो हमारे दुनिया का डेटा कंप्यूटर वर्ल्ड में भेजने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज होता है। अब इसका उल्टा, जो भी रिजल्ट जनरेट हुए हैं वो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर है, अब बाहर निकालना है ना आपको उसे, तो आपको आउटपुट डिवाइसेस जो होंगी वही यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। द आउटपुट डिवाइसेस आर लाइट इमिटिंग डायोड्स यानी एलईडीज, ओके, कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी और वीडियो स्क्रीन। एक्चुअली ये एलईडी से स्क्रीन बनती है, कैथोड रे से एक्चुअली स्क्रीन बनती है। पहले के मॉनिटर, बड़े बड़े टीवीज, बड़े बड़े मॉनिटर, वो कैथोड रे ट्यूब से बनते हैं, सीआरटी से। आज के टीवीज एलईडी से बनती है, टीवी हो गई, हमारे मॉनिटर हो गए, तो उसको हम वीडियो स्क्रीन बोलते हैं। हमारा वो आउटपुट डिवाइस है जो हमें रिजल्ट बताता है। उसी के साथ साथ प्रिंटर है, प्रिंटर का बड़ा वर्जन प्लॉटर, मैग्नेटिक टेप हो गई हमारी, जो रील हम कभी आपने कभी देखी होंगी। तो अल्टीमेटली ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। डिजिटल यानी बाइनरी डेटा और एनालॉग यानी जो हम समझ सकते हैं फिलहाल, ऐसे समझना है आपको। मतलब बाइनरी डेटा को
हम समझ सके उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ये करते हैं। तो ये करते क्या है, दिस डिवाइस ट्रांसफर डेटा फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड हम लोग हैं, तो माइक्रोप्रोसेसर डेटा हमारे लिए यहाँ पे ये सेंड करता है। तो डेटा कैन बी डिस्प्ले ऑन CRT यानी कि मॉनिटर ही बात कर रहे हैं हम, और वीडियो स्क्रीन, एंड इट इज कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर बाय यूजिंग प्रिंटर। ये छोटे मोटे पॉइंट है गाइस, ये आपको 1 मार्क दिला सकते हैं। आपके लैंग्वेज में भी आपने लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, बट ये जरूर लिखना है कि कहां से कहां पे डेटा ट्रांसफर होता है। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ और उसका नाम है सिस्टम बस। ये तीनों ब्लॉक है गाइस, अगर ये एक दूसरे से कम्युनिकेट इनको करना रहा तो इनको जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसे जोड़ा जाता है सिस्टम बस से। तो सिस्टम बस से क्या होता है, देखो सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स, ओके, और ऑफ कोर्स मेमोरी भी है। तो इनके बीच का कम्युनिकेशन ये पाथ होता है, इसी से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये बनती किससे है, इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वायर्स टू कैरी बिट्स, और बिट्स का मतलब अगेन क्या होता है, बाइनरी डिजिट। ये बाइनरी डेटा ही होता है, इन ब्लॉक के अंदर ट्रेवल होता है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी बसेस होती हैं, आपने देखा ही होगा, इनपुट कीबोर्ड लगाना है तो वायर जोड़ो, प्रिंटर लगाना है तो वायर जोड़ो। ये सिर्फ आउटसाइड बता रहा हूं मैं आपको, सीपीयू के अंदर भी बहुत सारी वायर्स वगैरह होती हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क दिला सकता है सिस्टम बस वाला। तो गाइज ये कुछ हमारे एक बड़ा सा क्वेश्चन था, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, कभी कभी सिंगल सिंगल पॉइंट भी आपको पूछे जा सकते हैं, पर ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। जब आपको ये समझेगा कि माइक्रोप्रोसेसर किस चीज से बनता है, कैसे काम करता है, तो आगे के टॉपिक आपको और अच्छे से समझने लगेंगे। ठीक है गाइज, तो आज के क्लास के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।